क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर। व्हाई? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था क्यों? सर। मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी, ये थ्री इडियट पिक्चर में शर्मन जोशी ने जिसने राजू के कैरेक्टर को निभाया था उसकी है दोस्तों। यहां ये दो लाइनें और बोलता है, वो कहता है कि दोनों टांगे तुड़वाकर अपने पैरों पर खड़े होना सीखा है सर, बड़ी मुश्किल से आया है ये एटीट्यूड। आप अपनी नौकरी रखिए, मुझे अपना एटीट्यूड प्यारा है। ये वो राजू है जिसने पूरी जिंदगी डरते 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 निकाल दी, और जब मरने की स्थिति में पहुंच गया, जान बचा करके वापस आया, इंटरव्यू देने गया और स्पष्ट रूप से अपनी बात कही कि साहब, मैं मेरे जीवन में असफल इसीलिए था क्योंकि मैं डरता बहुत था। दोस्तों, जब अपेक्षाएं, चाहे वो हमारी खुद की हो, हमारे दोस्तों या परिजनों की हो या अन्य किसी की, जब वो अपेक्षाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना, डर का जन्म होता है। लोगों की अपेक्षाएं आपके डर को जन्म देती हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने डर को दूर कर सकते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है मैं आपके डर को दूर कर सकता हूं? कभी नहीं। क्या आपको यह लगता है कि कोई व्यक्ति आपके डर को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है मेरे भाई। आप कहेंगे ये कैसी बातें आप कर रहे हो कि डर नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हां, डर है क्या? डर आपकी कल्पनाशीलता की उड़ान है, आपकी इमेजिनरी पावर का उसकी हाइट है, आपकी कल्पनाशीलता का अतिरेक ही डर है। हमारा माइंड जो रहता है उसमें दो प्रकार से काम करता है, या तो वो हमारी मेमोरीज के ऊपर काम करेगा या वो हमारी कल्पना के, हमारे इमेजिनेशन पावर के ऊपर काम करेगा। जब आप अपनी मेमोरीज पे जाते हैं और कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जिससे आपके मन में डर पैदा होता है, या आप कोई ऐसी घटना की कल्पना करते हैं जो अभी हुई नहीं है, तो या तो आप पीछे चले जाते हैं या आप आगे चले जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में रहिए, आपको डर नहीं होगा। आप वर्तमान में रहिए और आप यह निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। आप अपने आप को निर्णय से लैस कीजिए, निर्णय रूपी हथियार से लैस कीजिए और जिद रूपी घोड़े पर बैठिए। यह जिद जिस दिन आपके डर से ताकतवर हो जाएगी, आप डर रूपी पहाड़ियों को फतह कर लेंगे दोस्तों, और मंजिल वही है। जिस दिन आप इन पहाड़ियों को फतह कर लेंगे अपनी जिद से, अपने निर्णय से, डर कोसों दूर भाग जाएगा आपसे।